बात करें चाइना हाई स्पीड बुलेट ट्रेन रेल कॉरिडोर की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चाइना के बुलेट ट्रेन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मैप है। 2008 में चाइना के पास कुछ गिने चुने ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर थे, लेकिन 2020 में तो इन्होंने बुलेट ट्रेन नेटवर्क का जैसे जाल ही बिछा दिया हो। वैसे स्केल, स्पीड और टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो चाइना भारत से काफ़ी आगे है, लेकिन अब हमारी भारत में भी इंडियन रेलवे ने एक काफ़ी बड़ा स्टेप लिया है। अब हमारी भारतीय रेलवे भी बुलेट ट्रेन नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है, और हमारे रेलवे मिनिस्टर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बुलेट ट्रेन रेल प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने के लिए कहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आने वाले समय में हमारे भारत में 7 और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम होते नज़र आएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे भारत की फर्स्ट बुलेट ट्रेन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जो मुंबई से अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी, तो अभी इस रूट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने से पहले ही इन 7 और नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर जल्द काम होते नज़र आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 7 और नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को शुरू करेगी। वैसे यहाँ पर रेलवे के सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि चीन की तरह भारत भी अपने सभी मेजर सिटीज़ को हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क से कनेक्ट करेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब NHSRCL को इन नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की DPR तैयार करना है, साथ ही में NHSRCL के एक्सपर्ट टीम भी इस प्रोजेक्ट की DPR बनाएगी। अब बात करें इन 7 प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन किन किन सिटीज़ में दौड़ेगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दिल्ली से वाराणसी इंक्लूडिंग अयोध्या, दिल्ली से अहमदाबाद, ये रूट 866 किलोमीटर लंबा है। मुंबई टू नागपुर, ये रूट 740 किलोमीटर लंबा है। वाराणसी टू हावड़ा, जो कि 760 किलोमीटर लंबा है। चेन्नई से मैसूर 435 किलोमीटर, दिल्ली से अमृतसर 459 किलोमीटर, और मुंबई से हैदराबाद, जो कि 711 किलोमीटर लंबा है। वैसे अभी फ़िलहाल इन सभी प्रोजेक्ट के DPR की तैयारी तो NHSRCL को सौंप दी है, और आने वाले समय में भारत चाइना जितने तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तो नहीं, लेकिन इन 7 सिटीज़ में दौड़ती ज़रूर नज़र आएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।